जय श्री कृष्ण। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि आपको यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 140, उसका आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हमने आगे जो पढ़ा था प्राइमरी लेवल में, सपोज 140 आपको दिया है तो 140 का हम फैक्टर निकालेंगे। 140 को पहले 2 से कट करो तो 70 आएगा, 70 को 2 से कट करो तो 35 आएगा, फिर 5 7 एंड 7 1। ऐसा हमने प्राइमरी लेवल में किया था, वही मेथड यहाँ पे लिखनी है, लेकिन लिखने का थोड़ा स्टाइल चेंज किया है। कैसे? तो 140 को पहले 2 से डिवाइड करो, लेफ्ट साइड आपको प्राइम लिखना है, कौन सा प्राइम, तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा 70, फिर 70 को वापस 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 35, 35 को वापस 5 से डिवाइड करो तो 5 7 जा, और लास्ट में 7 1 जा। तो जितने भी लेफ्ट साइड आपने लिखा है वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर है। तो कैसे लिखेंगे, 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, क्लियर। उसी तरह 156 आपको दिया है तो उसका भी मुझे फैक्टर निकालना है। यूनिट प्लेस 6 है यानी 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 1 बचा 2 8 जा 16। चलो उसके बाद वापस यूनिट प्लेस 8 है तो 2 से कट होगा, 2 3 जा और 2 9 जा, क्लियर। फिर 39 को 3 से कट करना है, 3 13 जा, यहाँ पे लेफ्ट साइड आपको प्राइम फैक्टर ही लिखना है, और लास्ट में 13 1 जा हो गया। तो यहाँ पे वापस 2 2 टाइम्स यानी 2 का स्क्वायर 3 1 टाइम्स इंटू 13, क्लियर। चलो आगे नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में भी सेम मेथड है, लेकिन इस बार यूनिट प्लेस कौन सा है, 5, तो आपको पहले 5 से कट करना है। 5 से कट करेंगे तो 5 7 जा 35, 3 बचेगा 32, यानी 5 6 जा 32 बचेगा, 5 5 जा 25। समझ लो कि आपको ये डायरेक्ट नहीं आ रहा है लिखना, तो आप इस तरह भी पहले रफ वर्क कर लेना। नंबर आपको दिया है 3 8 2 5, उसको 5 से कट करो तो 5 7 जा 35, 3 2 5 6 जा 30, 2 5 5 5 जा 25 0, यानी कि 7 6 5 × 5 हो गया, 7 6 5 × 5। वापस आपका यूनिट प्लेस 5 है तो 5 से ही कट होगा, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 1 बचेगा, 5 3 जा। अभी 3 से कट होगा, 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3, वापस 3 से कट होगा, 3 17 जा एंड लास्ट में 17 1 जा 17। तो यहाँ पे देखो 3 2 टाइम्स, 5 2 टाइम्स और 17, यानी 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 17, दैट्स आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5005, वापस यहाँ पे 5 है तो 5 से कट होगा, 5 1 जा 5 00, 5 1 जा 5। अभी ये देखो 2 से भी कट नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, हाँ 7 से होगा, 7 1 जा 7, 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। अभी 7 से भी कट नहीं होगा, 11 11 1 जा 11, 11 माइनस करो तो 3, 11 3 जा 33, और लास्ट में आएगा 13 1 जा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर देखो 7 4 2 9, ये 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, डायरेक्ट ये आपका 17 से कट होगा, कितने 17, 17 4 जा 68, 68 माइनस करो तो 6, यानी 62, 17 3 जा 51, 51 माइनस करोगे तो 11 119, 17 7 जा 119। देखो वापस चेक करते हैं कैसे, यहाँ पे नंबर आपको दिया हुआ है 7 4 2 9, उसको 17 से डिवाइड करो, 17 4 जा 68, दोनों का माइनस करोगे तो 6 आएगा, 2, 17 3 जा 51, दोनों का माइनस करोगे तो 11, ऊपर से 9,
वापस 17 7 119 हो गया 437। अभी 437 को आप 19 से कट कर सकते हो, 19 2 2 38 माइनस करोगे तो 5 5 यानी कि 57, 19 3 57 और लास्ट में 23 1 तो प्राइम फैक्टर आएगा 17 19 और 23। ये जो मैंने आपको 5 सम करवाए उसके जैसे मैंने आपको 3 होमवर्क में दिए, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है।